इंड पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है हाउ दिस इंडियन ब्रांड किल्ड हार्ले डेविडसन एंड बिकम बेस्ट सेलिंग इन यूरोप। रॉयल इनफील्ड बाइक के नाम हो रहा है। कैसे रॉयल इनफील्ड ने हार्ले डेविडसन को उधर मार डाला, मतलब उसकी मार्केट खत्म कर डाली यूरोप में और सबसे ज्यादा बिकने वाला बाइक बन गया। और वाकई यार यूरोपियन दीवाने हैं हायर का, ये रॉयल इनफील्ड बुलेट के जो इंडिया का बाइक है यार। और इंडिया में तो दीवाने हैं ही हैं, लेकिन उधर के भी लोग इसके दीवाने हैं। और यूरोप के हार्ले डेविडसन जैसे बाइक कंपनी को पिछाड़ कर आगे भाई आ गया। और रॉयल इनफील्ड मेरा खुद भी ड्रीम बाइक है, ये पाकिस्तान में मिलता नहीं है, नहीं तो अभी तक मेरे पास होता सीरियसली। तो बिना किसी देरी के देखते हैं भाई कैसे सक्सेस हुई है इतनी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट ऑन करते हैं स्टार्ट। वेस्टर्न लोगों के ऐसे कमेंट्स हो या उनके रिव्यू वीडियोस। एंड आई कैन नॉट हेल्प बट फील एक्सट्रीमली वार्म इनसाइड व्हेन आई गेट ऑन अ बाइक लाइक दिस। आखिर क्यों सब इंडियन मेड रॉयल एनफील्ड की इतनी तारीफ कर रहे हैं? हम सब जानते हैं कि रॉयल एनफील्ड की बुलेट दुनिया की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस्ड बाइक है। इस मोटरसाइकिल को 1949 से बिना कोई खास बदलाव किए कंटिन्यूअसली ऐसे ही बेचा जा रहा है। और पिछले लगभग 70 सालों से इंडिया में रॉयल एनफील्ड सिर्फ इसी एक मोटरसाइकिल के दम पर टिकी हुई थी। पर आज की तारीख में जो रॉयल एनफील्ड है वो कुछ और ही है। आज रॉयल एनफील्ड के पास तकरीबन 6 मॉडल्स हैं, और बावजूद इसके कि इनकी कोई भी बाइक 350 cc से छोटे इंजन के साथ नहीं मिलती है, रॉयल एनफील्ड इंडिया में 5th और दुनिया में 8th सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बन चुकी है। अगर हम वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो रॉयल एनफील्ड दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। अगर मैं मोटरसाइकिल डाटा की ग्लोबल रजिस्ट्रेशन की इस रिपोर्ट को कोट करते हुए बताऊं तो 2020 के मुकाबले 2021 में रॉयल एनफील्ड की सेल फ्रांस में 25.5%, यूके में 57.6% और इटली में 108% तक ग्रो करी है। और रॉयल एनफील्ड कुछ टाइम पहले यूके में बेस्ट सेलिंग टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर भी रह चुकी है, जिसके बारे में हम वीडियो के अंदर आगे बात करेंगे। इन सब बातों का कंपैरिजन अगर हम इंडिया के दूसरे मोटरसाइकिल ब्रांड से करें जैसे कि बजाज, टीवीएस और हीरो, तो रॉयल एनफील्ड और उनके एक्सपोर्ट मार्केट में एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। और वो ये है कि जहाँ एक तरफ ये ब्रांड्स डेवलपिंग मार्केट को टारगेट करते हैं और वहाँ अच्छा कर रहे हैं, रॉयल एनफील्ड इंडिया की उन कुछ बहुत ही कम गिनी चुनी कंपनीज में से एक है जो यूरोपियन मार्केट में बहुत ही भारी मात्रा में अपनी मोटरसाइकिल्स बेच रही है और अमेरिका तक में अपनी पहचान बना चुकी है। इच्ची बूट्स जैसे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हों जिन्होंने अपनी हिमालयन पर आधी से ज्यादा दुनिया घूमी है, या जे लेनो जैसे दुनिया के सबसे बड़े ऑटो कलेक्टर और कॉमेडियन जो अपनी दुनिया की सबसे अच्छी ऑटो कलेक्शन में रॉयल एनफील्ड को भी रखते हैं, इन जैसे काफी सारे इंटरनेशनली मशहूर लोग हैं जो रॉयल एनफील्ड को खरीदना और उसको राइड करना पसंद करते हैं। पर आज की डेट में रॉयल एनफील्ड की सक्सेस उसके पीछे उनकी क्वालिटी, अनमैच प्राइसिंग और मॉडर्न रेट्रो मोटरसाइकिल की वो तगड़ी रेंज है जिसका मुकाबला कहीं और नहीं दिखाई देता है। और ये सब सिर्फ एक और एक इंसान की वजह से हो पाया है जिनका नाम है सिद्धार्थ लाल, जो कि 2004 से रॉयल एनफील्ड के सीईओ हैं। अच्छा, इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि हम इस वीडियो में रॉयल एनफील्ड की थोड़ी सी हिस्ट्री में नजर डालेंगे, जानेंगे कि कैसे सिद्धार्थ लाल जो कि एक मोटरसाइकिलिस्ट से सीईओ बने, उन्होंने इस बैंकरप्ट होती हुई कंपनी को फिर से कैसे उठाया और कैसे रॉयल एनफील्ड अब यूके जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में टॉप मोटरसाइकिल ब्रांड्स में आने लगी है, और कैसे अपनी बहुत ही अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होने की वजह से रॉयल एनफील्ड एक साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक दुनिया के सबसे लॉन्ग लास्टिंग इंजन प्रोड्यूस कर रही है, फिर चाहे इनके कॉम्पिटिशन में जापानीज, अमेरिकन और जर्मन कंपनीज ही क्यों ना हो। रॉयल एनफील्ड दुनिया की सबसे पुरानी मोटरसाइकिल ब्रांड्स में से एक है। इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी। रॉयल एनफील्ड ने वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटिश और उनकी अलाइड फोर्सेज के लिए भी सर्व किया, जिसके लिए उन्होंने फोर्सेज की डिमांड के हिसाब से अपनी मोटरसाइकिल्स को तैयार किया। जैसे कि इन्होंने मिलिट्री के लिए स्पेशल 250 से 570 cc वाली रगेड मोटरसाइकिल्स तैयार करी और 125 cc की लाइट वेट मोटरसाइकिल भी जो फौज एरोप्लेन से सीधा वॉर जोन में फायर शूट की मदद से फेंक सकती थी। और इन्हीं सब वॉर्स में रॉयल एनफील्ड की कामयाबी को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 1955 में अपने बॉर्डर्स की पेट्रोलिंग के लिए 800 बुलेट 350s का ऑर्डर दिया, जो कि उस टाइम के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। इसीलिए रॉयल एनफील्ड ने इंडिया की मद्रास मोटर्स के साथ टाई अप किया ताकि वो इंडिया में रॉयल एनफील्ड की असेंबली कर सके। मद्रास मोटर्स एक मोटरसाइकिल इंपोर्टर कंपनी थी जो कि चेन्नई में बेस्ड थी, और चेन्नई में ही मोटरसाइकिल्स की असेंबली को चालू किया गया और इस जॉइंट वेंचर का नाम पड़ा एनफील्ड इंडिया। इस डील में मद्रास मोटर्स के पास 50% से ज्यादा शेयर थे, और 1957 में रॉयल एनफील्ड ने टूलिंग भी एनफील्ड इंडिया को बेच दी थी ताकि वो मोटरसाइकिल की फुल फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में कर सके। अब यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि रॉयल एनफील्ड और एनफील्ड इंडिया दो बिल्कुल अलग अलग पाथ्स पर निकल पड़े। ब्रिटिश रॉयल एनफील्ड जापान की बेहद ही एडवांस, रिलायबल और सस्ती मोटरसाइकिल के सामने हारने लगी, जिसके चलते उन्होंने 1967 में अपनी सारी ही ब्रिटिश फैक्ट्रीज को बंद करना पड़ा। जापानीज मोटरसाइकिल का कहर हर उस देश की कंपनी को झेलना पड़ा जहाँ पर वो गई। पर इंडिया में 91 के मार्केट लिबरलाइजेशन से पहले
कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में बिजनेस नहीं कर सकती थी, और इसीलिए किसी भी जापानीज मोटरसाइकिल ब्रांड की प्रेजेंस इंडिया में ना होने के कारण रॉयल एनफील्ड शांति से एक ही मॉडल लगातार बिना किसी चेंज के 1955 से बेचती चली गई। 1994 में आइशर मोटर्स ने रॉयल एनफील्ड को खरीद ली। अच्छा, पर 1991 के मार्केट लिबरलाइजेशन के बाद बहुत सारे जापानीज मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में आ चुके थे। अब अपनी बहुत ही ज्यादा रिलायबल, एडवांस और कॉस्ट इफेक्टिव मोटरसाइकिल्स की वजह से उन्होंने इंडिया की मार्केट को बहुत ही ज्यादा कैप्चर करना चालू कर दिया। और वहीं एक तरफ रॉयल एनफील्ड अपनी 50 साल पुरानी कार्बोरेटेड और अनरिलायबल बाइक्स बेच रही थी, और इसका परिणाम ये हुआ कि लोगों ने इनकी मोटरसाइकिल्स को लेना बंद कर दिया, और इसके चलते आइशर मोटर्स ने इस कंपनी को बंद करने का फैसला तक कर लिया था। 2004 में सिद्धार्थ लाल, जो कि आइशर मोटर्स के फाउंडर के बेटे हैं, वो इस डूबती हुई कंपनी के सीईओ बने, और उन्होंने इस कंपनी की किस्मत बदल कर रखी। सिद्धार्थ ऐसे सीईओ हैं जो सीईओ जैसे लगते ही नहीं, वो अपने आप को राइडर बुलाते हैं, और वो बोर्ड मीटिंग्स में जीन्स पैंट और डेनिम जैकेट्स पहने हुए देखे जा सकते हैं, और वो ये सब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करते हैं। सिद्धार्थ अपने कॉलेज डेज में कई देशों की राइड अपनी बुलेट पर कर चुके थे। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई तो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से करी थी, पर वो अपने मोटरसाइकिलिंग के पैशन के चलते रॉयल एनफील्ड के सप्लायर्स के पास जाते थे और कास्टिंग होते हुए भी देखते थे इंजिन्स की। और इसीलिए जब उन्होंने रॉयल एनफील्ड को संभालना चालू किया तो उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि मोटरसाइकिल काफी ज्यादा अनरिलायबल थी और अपने पुराने कास्ट आयरन इंजिन्स को यूज कर रही थी। सिद्धार्थ ने खुद भी काफी सारी राइड्स करी, वो ऑफिस भी मोटरसाइकिल पर आते जाते देखे जा सकते थे, और वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि वो कस्टमर्स की नीड समझ सके और वो ऐसे कस्टमर्स को भी रॉयल एनफील्ड बेच सके जो रॉयल एनफील्ड नहीं खरीदते थे। सिद्धार्थ ने मोटरसाइकिल में कई छोटे बड़े बदलाव किए, जैसे इनको कार्बोरेटेड से फ्यूल इंजेक्टेड बनाया और कास्ट आयरन का इंजन ब्लॉक के लिए यूज बंद कर दिया, पर उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि ये मोटरसाइकिल अपना चार्म और करेक्टर लूज ना करे। सिद्धार्थ इन मोटरसाइकिल्स को बहुत ज्यादा तेज नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि वो ये चाहते थे लोग इन मोटरसाइकिल से वो फील ले सके जो 80s में लिया करते थे। मोटरसाइकिल्स के साथ साथ उन्होंने शोरूम्स को भी बहुत ज्यादा मॉडर्न थीम पर बनाना चालू करा, और इसका बेनिफिट उन्हें ऐसे मिला कि जो यूथ बुलेट को मैच्योर लोगों की मोटरसाइकिल समझते थे वो इन्हें लेने लगे। अब जैसे कि रॉयल एनफील्ड शुरुआती टाइम से एक मिड इंजन साइज मोटरसाइकिल रही है, सिद्धार्थ को हमेशा से ये लगता था कि ये मोटरसाइकिल वेस्टर्न मार्केट में बहुत ही ज्यादा अच्छा कर सकती है, पर इसके लिए उन्हें अपनी बाइक्स को और भी ज्यादा कैपेबल बनाना था। इसीलिए उन्होंने यूके के इस शहर में भी अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोला, जो चेन्नई में ऑलरेडी एग्जिस्टेड टीम के साथ मिलकर और भी ज्यादा एडवांस मोटरसाइकिल बनाने लगे। रॉयल एनफील्ड ने इसके चलते हैरिस परफॉर्मेंस नाम की कंपनी को भी खरीद लिया, जो हाई परफॉर्मेंस बाइक्स के लिए काफी अच्छी चेसी बनाती है। ये कंपनी मोटो जीपी, आइल ऑफ मैन, रोड रेस और ट्रैक रेसिंग हर तरीके की मोटरसाइकिल के लिए कंपोनेंट और चेसिस बिल्ड करती है और पिछले 40 सालों से करती आ रही है। अब इन्हीं सब फैसलों की वजह से इनकी मोटरसाइकिल की क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी हो गई है कि आप किसी भी फॉरेन रिव्यूअर की वीडियो उठा के देख लो और उनके नीचे कमेंट पढ़ लो तो आपको सब इस बाइक की तारीफ ही करते हुए दिखाई देंगे। अगर हम कॉन्टिनेंटल जीटी और इंटरसेप्टर की बात करें तो लोग बोलते हैं कि ये कॉम्पिटिशन में मिलने वाली किसी भी मॉडर्न रेट्रो मोटरसाइकिल से ज्यादा करेक्टर कैरी करती है। हाँ, अगर बॉनेविल जैसी मोटरसाइकिल से हम इन्हें कंपेयर करें तो उनके मुकाबले इनकी पावर थोड़ी कम दिखाई देती है, पर इनके प्राइजेस भी उन बाइक से एग्जैक्टली हाफ हैं। और ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा पावरफुल बाइक नहीं बना सकते हैं। रॉयल एनफील्ड कूलिंग के लिए बड़ा रेडिएटर देकर शायद मोटरसाइकिल की लुक खराब नहीं करना चाहते थे, और बड़े इंजन से कम पावर निकालने के कुछ फायदे और भी हैं। फोर्टनाइट नाम के इस यूट्यूब चैनल ने एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें इन्होंने इन मैन्युफैक्चरर्स की एक मोटरसाइकिल के फर्स्ट सर्विस में से निकले पुराने इंजन ऑयल्स को टेस्टिंग के लिए लैब में भेजा। वो ये देखना चाहते थे कि इनके ऑयल में कितनी इम्प्योरिटीज निकलती हैं, जैसे कि कार्बन डिपॉजिट और मेटल शेविंग्स वगैरह, और जो रिजल्ट आया वो बड़ा ही सरप्राइजिंग था। चाइना की यिनशियांग मोटरसाइकिल में 1,18,00,000 इम्प्योरिटीज पाई गई 100 ml के सैंपल में। इटालियन मैन्युफैक्चरर्स भी मिलियन में थे, जैसे कि अप्रालिया और दुकाटी, और जापानीज और अमेरिकन भी लाखों में थे। पर जिसने टेस्ट में सबसे अच्छा परफॉर्म किया था वो थी रॉयल एनफील्ड। इनके इंजन में सिर्फ 62,808 इम्प्योरिटीज पर 100 ml के सैंपल में पाई गई, और थाउजेंड्स में आने वाली दूसरी मोटरसाइकिल कंपनी BMW थी, जो कि इनके ठीक पीछे थी। हमारे मन में सवाल उठ सकता है कि आखिर ये इम्प्योरिटीज से होता क्या है। दरअसल जितने ज़्यादा आपके सिलेंडर में पार्टिकल्स इंजन ऑयल के साथ जाएंगे, उतना ही ज़्यादा सिलेंडर वॉल्स को वो स्क्रैच करेंगे और उतनी ज़्यादा इंजन की लाइफ कम होती जाएगी। तो इस बात से ये समझ में आता है कि रॉयल एनफील्ड अब एटलीस्ट अपने मैकेनिकल्स के मामले में बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट हो चुकी है, इतनी कि जर्मन की BMW भी इसके पीछे दिखाई देती है, एटलीस्ट इस टेस्ट में। तो अब इन्हीं सब क्वालिटी एडवांसमेंट्स के चलते रॉयल एनफील्ड की इंडिया के बाहर की मार्केट 190% तक ग्रो कर चुकी है पिछले साल के मुकाबले।
साउथ ईस्ट एशिया में रॉयल एनफील्ड यार ये वीडियो खत्म, मतलब भाई बाहर के देशों में 190% तक ग्रो कर चुकी है, इटली में 101% 57% यूके में, उसके बाद यार मतलब काफी ज्यादा चल रहा है। आप रिव्यूअर गोरो के रिव्यू निकालो वो देखो बाइक एमी वो बहुत चीजें नुक्स निकालते हैं, मतलब चीजें बाइकों में बाइक में और कारों में निकालते हैं हर चीज में, लेकिन रॉयल एनफील्ड की तारीफ कर रहे हैं, नीचे कमेंट भी खोलो वो भी तारीफ कर रहे हैं यार इंडिया में कितनी ज्यादा रॉयल एनफील्ड बेकर है, लेकिन रॉयल एनफील्ड ने ऐसा काम किया देखो इधर इंडिया में इन्होंने सीईओ रखा और उसने वो खुद राइडर था और उसने वो काम सारा चेंजिंग की, देखो इंडिया में तो बिक रही है सारा कुछ पता है, इंडियन ले रहे हैं उनको पता है किस तरह का है, रॉयल एनफील्ड ने ऐसी मार्केट चुनी जहाँ रिच मार्केट है, मतलब यूरोप में भाई क्वालिटी की बाइक ये मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है इनमें ज्यादा चल रही है, लेकिन रॉयल एनफील्ड वाइल्ड बाइक है जो डेवलप्ड मतलब यूरोप के अमीर देशों में चल रही है, अमेरिका में चल रही है, देती है इसमें बीएमडब्ल्यू अच्छा हार्ले डेविडसन जो कि बुलेट के मामले में बेस्ट माना जाता है उसे बाइक्स को मतलब वो टक्कर दे रही है, बढ़ गई है दूसरे देशों में पहले से, मैंने बताया ना 101% 57% यूके में, फ्रांस में 30% के करीब, बिल्कुल यार मतलब पूरी मतलब अमीर देशों में सबसे ज्यादा देखी जा रही है, बिल्कुल किस किस के पास कौन कौन सा बाइक है और किस किस पास स्पेशली रॉयल एनफील्ड कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना और क्या कहते हैं इस ब्रांड के बारे में कमेंट में लाजमी बताना। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार भाई।